हेलो दोस्तों, इस वक्त शादियों का सीजन चल रहा है। तमाम लोग शादी के बंधन में बंध रहे हैं। शादी में कई तरह के रीति रिवाज भी अपनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में हर मांगलिक कार्य करने को लेकर बहुत से रीति रिवाज हैं। विवाह के दौरान किए जाने वाले रिवाजों को सबसे पवित्र रिवाज माना जाता है। दोस्तों, विवाह के दौरान बहुत से रीति रिवाज निभाए जाते हैं, जैसे कन्यादान, सात फेरे, मंगलसूत्र पहनना और गृह प्रवेश। इन रीति रिवाजों के पूरा होने पर ही विवाह संपन्न माना जाता है। विवाह को हिंदू धर्म में दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलना माना जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि बेटों की शादी में माताएं उनके फेरे नहीं देखती, यानी कि जब दूल्हा और दुल्हन सात फेरे लेती हैं, तब उस फेरे को दूल्हे की माँ नहीं देख सकती। तो दोस्तों, वह कौन सी वजह है जिसके कारण माँ अपने बेटे की सात फेरे को नहीं देख सकती? तो चलिए, आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर होगा, जिसमें आज हम आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार पहले के समय में माताएं अपने बेटे की शादी में जाती थी, लेकिन जब भारत में मुगलों का आगमन हो गया, उसके बाद से मां अपने बेटे की शादी में नहीं जाती। बताया जाता है कि जब मुगल शासन के दौरान महिलाएं बारात में जाती थी, तब पीछे से कई बार डकैती और चोरी का शिकार हो जाती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए और घर की रखवाली के लिए महिलाओं ने घर में रहना शुरू कर दिया। इसी वजह से शादी वाले दिन लड़के के घर में सभी महिलाएं एकत्रित होकर मनोरंजन के लिए गीत गाती है। तो दोस्तों, यही कुछ कारण थी जिसके कारण महिलाएं अपने बेटे के साथ फेरे को नहीं देख पाती। दोस्तों, विवाह के बाद जब दुल्हन अपने ससुराल पहुंचती है तो उसका गृह प्रवेश कराया जाता है। इस दौरान दुल्हन की पूजा की जाती है और कलश में द्वार पर चावल रखे जाते हैं। इस कलश को दुल्हन अपने सीधे पैर से ढकेल कर घर के अंदर प्रवेश करती है। इसके बाद दुल्हन के हाथ पर हल्दी लगाई जाती है। इसी रस्म को गृह प्रवेश कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस रस्म की तैयारी करने के लिए भी माँ अपने बेटे की शादी में नहीं जाती। दोस्तों, भारतवर्ष में ये परंपरा आज भी उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिलती है। इन जगहों पर बेटे की शादी में माताएं नहीं जाती। हालांकि अब समय के साथ साथ लोगों की सोच में बदलाव आने लगा है। आजकल माताएं अपने बेटे की शादी में जाती है और उसे पूरी तरह से एंजॉय भी करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो अभी पर संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जय।